नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कई मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई। सबसे ज्यादा ड्रग्स एंगल इस वक्त अहम बना हुआ है। रिया चक्रवर्ती तो जेल की हवा खा ही रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ड्रग्स एंगल में इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल होते नजर आ रहे हैं। एनसीबी इन सभी को जल्द ही पूछताछ के लिए तलब करेगी। इसी बीच बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन भेज दिया है और उनसे कल पूछताछ होगी। इस बात के सामने आते ही जहां पहले दीपिका पादुकोण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स वायरल हुए थे, वहीं अब उनके पति और एक्टर रणवीर सिंह को ट्रोल किया जाने लगा। दीपिका पादुकोण का नाम जब से ड्रग मामले में सामने आया, तब से वो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है। यूजर दीपिका के साथ रणवीर को भी निशाने पर ले रहे। कोई रणवीर की ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठा रहा है तो कोई दीपिका की डिप्रेशन वाली थ्योरी पर चुटकी ले रहा है। एक यूजर ने लिखा, सो अकॉर्डिंग टू दीपिका पादुकोण दिस जोकर रणवीर सिंह इज नॉर्मल एंड सुशांत वॉज डिप्रेस्ड। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, इफ दीपिका पादुकोण इज अरेस्टेड बाय एनसीबी रणवीर सेड कपड़ा ही कपड़ा होगा। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, रणवीर एंड दीपिका रिपीट आफ्टर मी सेलिब्रिटीज मैनिपुलेट ऑडियंसेस वी डोंट सेलिब्रेट यू एनीमोर रिपीट आफ्टर मी कोकेन इज नॉट फूड रिपीट आफ्टर मी हैशिश इज नॉट अ क्योर फॉर डिप्रेशन। वही रणवीर सिंह की अजीब से कपड़ों की एक फोटो शेयर कर फैन ने ये बताने की कोशिश की कि ऐसा तो बिना ड्रग्स नहीं हो सकता। यानी दीपिका के साथ अब लोगों ने रणवीर सिंह की भी बैंड बजा दी। बताते चले कि दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा, जिसके लिए दीपिका गोवा से मुंबई आ गई। उनके साथ मैनेजर करिश्मा से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं दीपिका के अलावा एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की जाएगी।